Hello dear students, today I will teach you class first English reader chapter number 4 the name of the chapter is the foolish lion means मूर्ख शेर। पिछली वीडियो में आपको हमने इस चैप्टर में यहाँ तक पढ़ाया था, हमने इस कहानी के बारे में आपको समझाया था कि ये कहानी एक शेर और खरगोश के बारे में है। ओके स्टूडेंट्स, इससे आगे हम अध्ययन कर रहे हैं आज फ्रॉम हियर। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि शेर ने पूछा खरगोश से, क्या इस जंगल में कोई दूसरा शेर भी है। खरगोश ने ये बताया था कि एक शेर ने मेरा पीछा किया और मैं मुश्किल से जान बचा के यहाँ तक आया हूँ। तो इससे आगे हम अध्ययन करेंगे, आगे शेर के और खरगोश के बीच में क्या वार्तालाप होती है, क्या कन्वर्सेशन होता है, इसके लिए हम यहाँ से स्टडी करेंगे। यस सर आई नो वेयर ही लिव्स। यस सर मीन्स खरगोश ने ये बात कही है। यस सर मीन्स यस, हाँ श्रीमान जी। यस मीन्स हाँ, सर मीन्स श्रीमान, हाँ श्रीमान। आई नो मुझे मालूम है, या मैं जानता हूँ। वेयर मीन्स कहाँ, ही लिव्स रहता है, मैं जानता हूँ वह कहाँ रहता है। शेर ने खरगोश से कहा, सर श्रीमान जी मुझे मालूम है कि वह कहाँ रहता है। कम विद मी एंड आई विल शो हिम टू यू शेड द हेयर। कम विद मी, मेरे साथ आओ। शेड एंड आई विल शो यू, आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा हिम उसको, मैं उसको दिखाऊंगा टू यू तुम्हें, शेड द हेयर। खरगोश ने कहा, खरगोश ने शेर से कहा मेरे साथ आओ, मैं उसे तुम्हें दिखाऊंगा, शेड द हेयर। खरगोश ने शेर से कहा आप मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखाऊंगा मैं कहाँ रहता है। द लाइन गॉड रेडी, द लाइन गॉड रेडी टू गो विद हेयर। द लाइन गॉड रेडी, शेर तैयार हो गया टू गो विद द हेयर, खरगोश के साथ जाने के लिए। शेर खरगोश के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। द हेयर टुक हिम टू द वेल एंड सेड, द हेयर खरगोश, द हेयर खरगोश टुक हिम उसको ले गया टू द वेल कुएं के पास में, एंड सेड और कहा, खरगोश उसे कुएं के पास ले गया और कहा, हेयर ही लिव्स, वह यहाँ रहता है। ये खरगोश शेर को कुएं के पास ले गया और कहा वो यहाँ रहता है, ने कहा कुएं में रहता है। प्लीज़ कम एंड सी इनसाइड, प्लीज़ कम, कृपया आइए एंड सी देखो, इनसाइड मैंने कुएं के अंदर, आओ कृपया आओ और कुएं के अंदर देखो। ये सब क्या था, ये सब खरगोश की एक प्लानिंग थी, चाल थी शेर को मरवाने की, और वो उसको कुएं में झांकने के लिए कहता है कि देखिए दूसरा शेर जो है इस कुएं के अंदर रहता है, आप आइए और इस कुएं में देखिए। अब शेर क्या करेगा, कुएं में देखेगा, और जब जैसे कुएं में वो देखेगा तो उसको एक दूसरा शेर दिखाई देगा, दूसरे शेर का मतलब उसकी खुद की रिफ्लेक्शन, तो उसकी परछाई दिखाई देगी, उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा, और उसको प्रतिबिंब को देख के शेर दहाड़ लेगा कि वाकई में दूसरा शेर है। और जैसे ही शेर दहाड़ेगा तो अंदर से कुएं के अंदर से भी दहाड़ने की आवाज़ आएगी, तो शेर को लगेगा कि वाकई में ये दूसरा शेर है और ये मेरी तरफ दहाड़ रहा है। तो शेर क्या होगा, उसको पकड़ने के लिए कुएं में छलांग लगाएगा और शेर मारा जाएगा। तो आगे पढ़ेंगे इसी के बारे में हम। द लाइन पीप्ड इन टू द वेल एंड सॉ हिज ओवन रिफ्लेक्शन। द लाइन में शेर ने पीप्ड इन टू मतलब अंदर झांका, द वेल कुएं में, पीप्ड इन टू मतलब झांकना, इन टू मीन्स अंदर, शेर ने कुएं में अंदर झांका एंड सॉ और देखा हिज ओवन रिफ्लेक्शन, हिज ओवन रिफ्लेक्शन, उसने अपनी खुद की का प्रतिबिंब देखा। प्रतिबिंब का मतलब होता है जब हम अपने आईने में देखते हैं, जो आईने में हमारी जो शक्ल दिखाई देती है, जो हमारा चेहरा दिखाई देता है सेम टू सेम,
वो हम उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं, उसको प्रतिबिंब बोलते हैं। कभी हम पानी में झांकते हैं तो हमें देखता है कि हमारी खुद की चेहरा दिखता है उसके अंदर, तो हमारा क्या होता है प्रतिबिंब होता है, मतलब हमारी शक्ल पानी के अंदर दिखती है। तो ऐसे ही शेर की शक्ल, शेर का चेहरा पानी में दिखा। ही मिस्टुक द रिफ्लेक्शन फॉर एनदर लाइन एंड रोड एंग्रीली एट इट। ही मिस्टुक, उसको गलती हो गई, उसने गलती की द रिफ्लेक्शन में जो उसका प्रतिबिंब था, फॉर एनदर लाइन, उसने गलती से अपने प्रतिबिंब को दूसरा शेर समझ लिया। एंड रोड एंग्रीली एट इट, और उस पर गुस्से से दहाड़ा, रोड मीन्स दहाड़ लगाई, एंग्री मैंने गुस्से से, एट इट मैंने उसके ऊपर। जैसे शेर ने कुएं में देखा, मतलब कुएं में पानी में देखा, तो उसको उसका जो रिफ्लेक्शन था वो दिखाई दिया, और उसने गलती से शेर ने अपने उस प्रतिबिंब को, अपनी परछाई को दूसरा शेर समझ लिया, और गुस्से से उसकी ओर धाड़ा, मतलब उस पर धाड़ा, धाड़ लगाई। देन ही सॉ डैट द लायन इन द वाटर वॉज ऑल्सो रोरिंग एट हिम। देन फिर उसने देखा, देन ही सॉ, फिर उसने देखा, मतलब शेर ने देखा, डैट की द लायन इन द वाटर, द लायन शेर इन द वाटर, जो शेर पानी के अंदर है, वॉज ऑल्सो भी रोरिंग धाड़ रहा है एट हिम उसकी तरफ, कि उसने देखा जो शेर पानी के अंदर है, दूसरा शेर मतलब उसकी परछाई जो पानी के अंदर थी, उसको लगा कि वो भी उस पर धाड़ रही है, धाड़ लगा रही है। नाउ ही कुड नॉट कंट्रोल हिज टेम्पर एंड जम्प्ड इनटू द वेल। नाउ अब ही कुड नॉट कंट्रोल, मैं कंट्रोल नहीं कर सका, मैंने अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सका, हिज टेम्पर मैंने अपने क्रोध पर, गुस्से पर, टेम्पर किसका होता है उसका गुस्सा, मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर सका, एंड जम्प्ड इनटू द वेल, और कुएं में उसने छलांग लगा दी, कुएं में कूद गया, कौन, शेर, किसके ऊपर, जो दूसरा शेर उसको पानी में दिख रहा था उसके ऊपर छलांग लगा देता है। दस इस प्रकार द फुलिश लायन डाइड, दस इस प्रकार द फुलिश लायन मतलब मूर्ख शेर डाइड में मर जाता है, और इस प्रकार जो मूर्ख शेर था वो मर गया। तो के स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी वेरी वेल, मुझे आशा है आपको ये कहानी बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई किसी प्रकार की समस्या है, कोई वर्ड क्लियर नहीं हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ हम इसकी वोकैबुलरी पढ़ेंगे, मतलब शब्दावली। डैन मीन्स होम ऑफ लाइन, शेर का घर, मतलब डैन मीन्स क्या होता है, गुफा। क्लेवर मीन्स वाइज, वाइज मीन्स बुद्धिमान, क्लेवर मीन्स चालाक, बुद्धिमान। चेस्ट फॉलोड, चेस्ट मतलब होता है पीछा करना, फॉलोड मीन्स भी हो गया हुआ पीछा करना। रिफ्लेक्शन इमेज, छवि मतलब आकृति, हम सब किसी शीशे में या पानी में देखते हैं, जो हमारी जो छवि, हमारी इमेज, हमारी आकृति, हमारा जो फोटो दिखता है उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। पीप्ड लुकअप, पीप्ड मतलब होता है झांकना, देखना। तो कि स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज ओवर। ओके, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस टाइम।